अरे खेलो ना यार। नोवल कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते या छींकते वक्त हमेशा अपने मुंह को रुमाल या टिश्यू से ढकें। अरे आशीष, हेलो हेलो। अरे रोहित भाई कैसे हो? अरे सब बढ़िया, तुम बताओ। अरे क्या बोलूं यार, बहुत ही बुरी हालत है यार यहाँ पर। अच्छा, ऐसे क्या हो गया? अरे साला बहुत बड़ी गलती हो गई यार। मतलब सूरत से नहीं आना चाहिए था, भरोसा नहीं करना चाहिए था, और मतलब यहाँ के सरकार पर बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे यार मतलब हुआ क्या ये तो बता। क्या बताओ यार, बहुत ही बेकार सिस्टम है यहाँ का। एक तो साला सुबह का जो नाश्ता है ये लोग दे रहे हैं 11:30 बजे। ऊपर से भाई यहाँ का जो सब्जी है ना साला, उसमें सब्जी है ही नहीं, खाली पानी। और तो और उपमा और सांभर, सांभर में तो भाई नमक ही नहीं है, कोई स्वाद नहीं, कुछ नहीं, एकदम घटिया टेस्ट साला। देख सकते हो अनु भाई। अरे तो टिकटॉक वीडियो डालिए, दूर जाइए बना। अरे मेरा मतलब तुम्हारा टिकटॉक वीडियो थोड़ा दूर जाके बनाओ यार। हाँ एक दोस्त से बात कर रहा हूँ। हाँ वही यार मैं बोल रहा था, एकदम घटिया सिस्टम है यहाँ का, फालतू। लेकिन हम लोग भी कहाँ चुप बैठने वाले थे भाई, हम लोग सब मिलके अच्छे से दे दिया उनको। दिया मतलब क्या भाई, मैंने सीधा बोल दिया सबको, सुबह का खाना कोई नहीं खाएगा। हम लोग क्या किए, सीधा गए खाना उठा के डस्टबिन में फेंक दिए और उसका वीडियो बना के वायरल कर दिए। अबे ये जो खाना है ना, कोई इंसान तो छोड़ा साला कोई कुत्ता भी ना खाए। अरे नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए था यार। ये सब कोरोना वायरस चल रहा है, हमें वो क्वारंटाइन में रखा है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया होगा, उसके लिए इतना सोच सारा क्यों भाई। और हाँ मुझे टिकटॉक वीडियो से याद आया, तुम्हें तो विनती की थी ना सरकार को जब गुजरात में थे कि हमें यहाँ पे खाना अच्छे से नहीं मिल रहा है, हमें हमारे गांव ले चलो, है ना? हाँ बोला था तो क्या, हाँ साला घर ले आओ, मतलब क्या हम भिखारी है क्या? जब हम यहाँ पर आए वो लोग हमें मेनू दिखाए, बोले कि रविवार को तुम्हें चिकन तरकारी मिलेगा, नहीं तो मछली मिलेगा। अब एक सेकेंड, ओ विनय भाई क्या सोच रहे हो भाई, पत्ता डालो। हाँ क्या बोला था रोहित भाई? हाँ रविवार को बोलेगी तुम्हें चिकन तरकारी मिलेगा, नहीं तो मछली मिलेगा। दिया क्या, अंडा तरकारी। भाई मैं तो बोल रहा हूँ टोटल लूट है यहाँ पर, पूरा लूट। बेचारे क्या बेचारे भाई, हम लोगों ने भी सोच लिया है, ज्यादा परेशान करेंगे सीधा भाग जाएंगे यहाँ से। वैसे भी हम लोगों का घर है यहाँ पर, भाग जाएंगे, देखते साला कौन रोकता। और तू मुझे बेचारे बोल रहा है, तू कौन से मजहब है वहाँ पे? नहीं नहीं इतनी बुरी हालत तो नहीं है हमारे यहाँ पे, थोड़ा बस काम था वही चालू है। काम मिल गया मतलब? हाँ। अबे पगला गया क्या, लॉकडाउन में कौन सा काम? और तू तो बोल रहा था कि तुझे और तेरे दोस्तों को कोई सरकारी स्कूल में रखने वाले। अबे खाना वाना ठीक से मिल रहा है कि नहीं? ठीक से मिल रहा है, थोड़ा पेंटिंग और रिपेयर का काम था वही चालू। पेंटिंग का काम? हाँ। अबे क्या पैसा वैसे मिल रहा है, ऐसे ही कर रहे हो फ्री में? ओ भाई तू रहने दे भाई, मैं समझ गया, ये लोग साले सब मिले हुए हैं, क्वारंटाइन के नाम पर तुम लोगों से फ्री में काम करवा रहे हैं। नहीं नहीं अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, ये काम करने के लिए हमें किसी ने बोला नहीं। किसी ने नहीं बोला मतलब? नहीं नहीं। हो अब समझा भाई, अब समझा भाई, मान गया तुम्हारे सरकार को और तुम्हारे सरपंच को। नहीं ये लोग तुमसे फ्री में काम भी करवा रहे हैं, किसी को भी मतलब मालूम नहीं होने दे रहे। वाह क्या बात है भाई, क्या बात है, वाह भाई वाह। अरे तो तू ही बोलते रहेगा या मुझे भी बोलने देगा? ठीक है भाई बोल। तो देख भाई हम मजदूर हैं, मेहनत करना हमारा काम भी है और धर्म, तू तो जानता है फुकट का ना हम कभी खाते हैं ना कभी खाएंगे। और जिस स्कूल में हम रुके हैं ना वहाँ पे 10 सालों से कोई पेंटिंग रिपेयर का काम हुआ नहीं। और यहाँ पे हमें गांव वालों से इतना प्यार मिल रहा है, दाल बाटी चूरमा, पूरी भाजी, सब्जी सब कुछ मिल रहा है, तो यार हमें बुरा लगा। हमें ऐसा लगा कि गाँव वाले भी इतना प्यार दे रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ करना चाहिए, है कि नहीं? तो बस वही है। और एक मिनट ओए सुमित, हाँ वो रंग रोगन का सामान यहाँ रख दे। हाँ हाँ मैं ले लूँगा, यहाँ रख दे। हाँ हाँ तुम्हें क्या कह रहे? हाँ तो वैसे भी तो हमारा मतलब टाइम पास ही हो रहा है, मतलब क्या वक्त तो ज़ाया ही हो रहा है। तो हम सरपंच जी के पास गए, उनको कहा कि सरपंच जी हम फुकट का खाना तो नहीं खा सकते, हमें कुछ मतलब झाड़ू दो, कुछ पेंट ब्रश दो, मतलब कुछ काम करेंगे हम लोग। तो वो मना कर दिए, बोले कि नहीं 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 आप तो हमारे मेहमान हैं, मेहमानों से हमारे से काम करवा सकते हैं? नहीं, ये तो न हो पाएगा। तो पर चलो मतलब बाद में वो मान ही गए। तो बस 3 दिनों से वही चल रहा है, पेंट ब्रश लेके शुरू है हमारा। मतलब कैसे ना कि गांव वाले भी खुश और हम भी खुश, है ना। हेलो हेलो आशीष, हेलो, अरे लाइन पे है क्या तू? हेलो, कट हो गया होगा, घटिया नेटवर्क है। सुन मेरे ओ भैया, ये कैसी रवैया, हर चुनौती है एक मौका, लगा दे छक्का या फिर चौका, कुछ अच्छा कर दिखाना, क्या तुझको कभी किसी ने रोका? तू सोच ले आज ही, रोता रहेगा या हंसेगा, तू हौसला जो रखेगा तो नई सुबह आएगा। कोरोना हारेगा और इंडिया जीतेगा। कोरोना हारेगा और इंडिया जीतेगा, कोरोना हारेगा और इंडिया जीतेगा। इंडिया जीतेगा।